एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जा इस पत्थर का मूल्य पता करके आना, पर ध्यान रहे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर अपने गांव के बाजार में सबसे पहले एक फल वाले के पास गया जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 संतरे लगाई। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर अनाज व्यापारी के पास गया। उसने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी अनाज के बराबर लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सोनार को उस पत्थर को दिखाया और उससे उसका मूल्य पूछा, तो सोनार ने उस पत्थर को देखते हुए कहा, 50 लाख में मुझे इस पत्थर को बेच दो। उस व्यक्ति ने सोनार को मना कर दिया तो सुनार ने फिर कहा, भाई 2 करोड़ में दे दो या तुम ही बता दो कि इसकी कीमत क्या दोगे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। इसके बाद वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा। उसने उसे रूबी के रूप में पहचाना। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछा, यहाँ से कहाँ से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती? अब व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। बस सीधे भगवान बुद्ध के पास गया और पैरों के पास दोनों हाथ को जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी महात्मा बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु अब आप ही बताओ मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाला जो संतरे का व्यापारी था उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू की लगाई। अनाज वाले व्यापारी ने 1 बोरी अनाज, सुनार से 2 करोड़ और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किया और चुपचाप वहाँ से चल गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में किए गए कामों पर संतोष और आनंद प्राप्त होगा। अब चाहे आप अपने आप को 12 संतरे लायक कामयाब बना लो या बेशकीमती बना लो, निर्णय आपका है।